नमस्कार, आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का कई वर्षों से मानदेय भुगतान नहीं किया गया है, जिससे कि आंगनवाड़ी सेविकाएं सहायिकाएं परेशान है कि उनका मानदेय का भुगतान कब तक किया जाएगा। इसकी कोई भी डिटेल्स ऑफिस के तरफ से नहीं दी जा रही है। तो इसी के संबंध में ICDS की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है और सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में देरी क्यों हो रही है, कि क्या कारण है जिससे कि आपके मानदेय में देरी हो रही है, और ऐसे लोग जो आप लोगों का मानदेय में देरी कर रहे हैं उन लोगों पर ICDS की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा ICDS का कहना है। तो चलिए चलते हैं लेटर की ओर। ये लेटर 2 अगस्त 2021 को जारी किया गया है, जिसकी संचिका संख्या है 3771, और इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है। और इस लेटर का विषय दिया गया है, विषय यहाँ पे आप लोगों को क्लियर लिखा गया है, आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन होने के बाद भी मानदेय भुगतान नहीं करने के संबंध में। तो जैसा कि आप लोगों को आंगनवाड़ी में जो आप लोग कार्यरत हैं, आप लोगों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन होने के बाद ही आपको मानदेय दिया जाता है, लेकिन जिन लोगों का कई वर्षों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है और उन लोगों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी सत्यापन हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पे मानदेय नहीं दिया जा रहा है, उसी महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री, जनता दरबार, समाज कल्याण विभाग एवं निदेशालय स्तर पर यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन होने के पश्चात भी सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके संबंध में निम्न शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो जैसे कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं पहुंची थी और वहां पे माननीय नीतीश कुमार जी से शिकायतें की थी कि आंगनवाड़ी में जो भी सेविका सहायिकाएं हैं उनका जो कई वर्षों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, उसी के संबंध में उन्होंने वहाँ पर शिकायतें दर्ज कराई थी। तो नीतीश कुमार जी ने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के शिकायतें सुनकर नीचे के जो विभागीय स्तर के अधिकारी हैं उनको जल्द से जल्द भुगतान करने के भी निर्देश दिए थे। यहाँ पे बताया जा रहा है, मानदेय भुगतान हेतु डाटा आंगन ऐप पर ससमय प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक अपलोड नहीं किया जाता है। डाटा तो मानदेय भुगतान का डाटा आंगन ऐप पर अपलोड नहीं किया जाता है, यानी कि आप लोगों का जो काम है वो काम वैसे ही कि वैसे ही ठप रहता है, आगे प्रोसेस नहीं किया जाता है। वर्तमान समय का मानदेय भुगतान हो रहा है, देखिए यहाँ पे वर्तमान समय का मानदेय भुगतान किया जा रहा है, किंतु पूर्व के वर्षों का लंबित बकाया मानदेय भुगतान हेतु कार्रवाई संबंधित डाटा आंगन ऐप पर अपलोड नहीं किया जाता है। जो पिछले कई वर्षों से मानदेय का भुगतान अभी नहीं किया गया है उनका डाटा आंगन ऐप पर अपलोड नहीं किया जाता है। कार्यालय कर्मी डाटा ऑपरेटर के द्वारा सेविकाओं सहायिकाओं को परेशान किया जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, जो डाटा ऑपरेटर हैं या जो आंगनवाड़ी कार्यालय में कार्यरत हैं कर्मी, उनके द्वारा सेविकाओं सहायिकाओं को परेशान किया जाता है, उनको बार बार ऑफिस जाकर उनको घूम के आना पड़ता है, लेकिन उनके मानदेय के विषय में कोई भी सही से जानकारी नहीं दे पाते हैं। अतः निर्देश दिया जाता है कि सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अविलंब बैठक कर अपने जिला अंतर्गत सभी परियोजनाओं के बकाया मानदेय भुगतान की समीक्षा करें। जिन सेविकाओं सहायिकाओं का प्रमाण पत्र सत्यापन हो चुका है उनका मानदेय भुगतान संबंधित कार्रवाई आंगन ऐप पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें तथा दोषी पदाधिकारी कर्मी पर यथोचित कार्रवाई की करें। तो अब ICDS के तरफ से ये साफ साफ बोल दिया गया है, जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं वो अब जल्द से जल्द बैठक करके जिन लोगों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन हो गया है उनका मानदेय जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, और इसमें जो पदाधिकारी दोषी पाए जाते हैं, जो लोग इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। भविष्य में यदि इस तरह की शिकायतें पाई जाती है कि सत्यापन पश्चात भी
मानदेय भुगतान नहीं हुआ है तो संबंधित जिला के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। विहित प्रपत्र में दिनांक 4/8/2021 तक मानदेय भुगतान से संबंधित सूचना ईमेल आईडी जो ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है इन पर देना सुनिश्चित करें। तो इसके बाद जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है या प्रोग्राम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं ये लोग को निर्देश दिया गया है कि 4/8/2021 तक भुगतान से संबंधित जो सूचना है आपको ईमेल आईडी पर दे देना है। तो इस लेटर के जारी होने के बाद अब लग रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय जो पिछले कई वर्षों से बाकी है वो अब जल्द ही जल्द से जल्द मिलने वाला है। तो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से जो नए नए अपडेट हैं आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।